हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और काफी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। इस बीच वीडियो तो आती रही है और आप लोगों ने देखा भी है। आज की वीडियो में बात करते हैं जो एलएलबी के पेपर्स चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है पेपर्स फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर, ऐसे लोगों के पेपर्स हो रहे हैं। कुछ लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ लोगों के पेपर समाप्त भी हो गए। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह, आप देख रहे हैं एडोब हेल्पर्स। दोस्तों, अगर आपके कोई सेमेस्टर वाइज पेपर्स चल रहे हैं, एलएलबी का फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ, कोई ऐसा भी सेमेस्टर चल रहा है, या जो भी बीए के या बीएससी के, एलएलबी, जो भी आपके इंटर हाई स्कूल, अगर कोई आपकी पढ़ाई के पेपर्स चल रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करिए भाई, मैं तो यही कहूंगा। और कोशिश करिए, जिस दिन आपका, मान लीजिए कल अगर आपका पेपर है, तो आज के दिन पढ़ाई ना करिए, आज एंजॉय करिए अच्छे से, और उससे पहले अच्छे से पढ़ाई करिए। जब आपके सामने पेपर आएगा, तो आई होप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सारा सामने आ जाएगा और आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे। साथ ही साथ में अगर आप पेपर देने जब जा रहे हैं, तो अपने एडमिट कार्ड की एक दो जीरोक्स कॉपी करा के जरूर आप रख लीजिए, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों, करना क्या है उसके बाद, जब आप अपने एडमिट कार्ड की जीरोक्स कॉपी दो करा के रख लेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी, आपको कोई हेडेक नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी कि आपके पास उसकी एक दो जीरोक्स कॉपी रखी हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या खो जाते हैं, या भीग जाते हैं, या कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, गुम हो जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं। उसके बाद जो है अच्छे क्वालिटीज के पेन यूज करिए, और कोशिश करिएगा कि जो है अगर ब्लैक या ब्लू जो आप पेन यूज करें, तो उनके एक दो सेट हों। कहने का मतलब दो दो या तीन तीन ऐसे पेन लेकर जाएं। कभी कभी क्या होता है कि आप एक ही पेन लेकर चले जाते हैं, और मान लीजिए वो बंद हो गया या वो चल नहीं रहा, रुक रुक के चल रहा है, तो आपको अगल बगल वालों से मांगना पड़ जाता है, और अगर उसने नहीं दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद करिए क्या, आप पढ़ाई करिए। अगर आपके पेपर आने वाले हैं, कोई डेट निश्चित है, और अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोशिश करिएगा जिस दिन आपका पेपर है, मान लीजिए कल अगर आपका पेपर है, तो आज के दिन एंजॉय करिए, मस्त रहिए, और अच्छे से पेपर दीजिए जा करके। और जब भी आपका पेपर है, तो उससे एक दिन पहले ना पढ़ें। यार, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि वो अपने बच्चे को पेपर दिलवाने जा रहे होते हैं, और उनका बच्चा पीछे बैठा होता है, वो किताब खोल के ऐसे बैठा होता है, पढ़ता रहता है, और उनके पेरेंट्स गाड़ी चलाते हुए जाते रहते हैं, और वो पीछे। यार, मेरे को समझ नहीं आता कि आप जब पूरा 1 साल या 6 महीने आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो आपको कोई घर से ड्रॉप करके कॉलेज छोड़ने जा रहा है पेपर दिलाने के लिए, तो आप रास्ते में गाड़ी पे बैठ के कितना पढ़ लेंगे? थोड़ा सोचने वाली बात है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और उसमें क्या होता है, थोड़ा टेंशन बढ़ जाती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो लॉ के पेपर्स में बार बार बैक लग जाते हैं, क्यों बैक लग जाते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कोई पेपर हो रहा है, तो अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आप वो बुक लेकर ना जाए जिसका पेपर है। मान लीजिए अगर आपका सीपीसी का पेपर है, तो आप सीपीसी की जो है बुक या उसकी जो गाइड है, आप लेकर ना जाइए, आपको दिक्कत हो सकती है। उसमें आप सोचोगे, यार अरे यार, ये तो क्वेश्चन रहेगा, इसको भी जरा रिपीट कर लें फटाफट, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा टेंशन बढ़ जाती है। और जब आप पेपर देने जाते हैं, तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और आपका पेपर अच्छे से नहीं होता है, और आपका जो है रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब आप पेपर देने जाते हैं, तो मैंने अपने दोस्त से बात की थी, तो उसने किया क्या था, उसके बार बार पेपर जो एलएलबी का दे रहा था, उसके में बैक लग जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा, तो करता क्या था, उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी जब पेपर आता था, उसमें ऐसा आता था, सेक्शन ए में 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते थे चार चार नंबर का, और सेक्शन बी में और सेक्शन सी में 10 नंबर के क्वेश्चन आते थे। तो बंदा करता क्या था, एक पहले सेक्शन ए से कर लेता था शॉर्ट, उसके बाद सेक्शन बी से करता था लॉन्ग का, और फिर सेक्शन ए का एक करता था, फिर वो सेक्शन सी से कर लेता था। तो ऐसे क्या होता था, एग्जामिनर भी यार कंफ्यूज हो जाता, एक इधर से उठा के कर दिया, एक उधर से उठा के कर दिया, तो कंफ्यूजन हो जाती। तो बस मैं यही कहूंगा कि अगर आप सेक्शन ए कर रहे हैं, अगर आपके सामने पेपर आ गया है, तो उसमें अगर आप पेपर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, तो सेक्शन ए से अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो सेक्शन ए पूरा पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सेक्शन बी करिए, उसके बाद सेक्शन सी करिए। अगर आप उल्टा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई इशू नहीं, आप सेक्शन सी से स्टार्ट कर सकते हो। उसे मैं आपको बताऊं, तो मैं तो हमेशा उल्टा से ही स्टार्ट करता था, मैं सेक्शन सी से सारे क्वेश्चन कर लेता था, उसके बाद सेक्शन बी, और उसके बाद मैं शॉर्ट करता था। उसके बाद एक बात और बता दूं, जब आप लॉन्ग करिए, तो एटलीस्ट 4 पेजेस का आप जरूर उसका आंसर लिखिए, जो भी आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं। उसके बाद शॉर्ट अगर आप लिख रहे हैं आंसर, तो शॉर्ट में आप 1 से 1.5 पेज तक लिखिए, अच्छे से हो जाएगा। 3 घंटे का टाइम रहता, और 3 घंटे में बहुत ज़्यादा समय रहता है, अगर आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से पेपर की तैयारी कर सकते हैं, और पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
और यहाँ पे एक बात और बता दूं, ये बहुत सारा इश्यू रहता लोगों का, जब आपके सामने पेपर आ जाता, कॉपी भी आ जाती, तो यार हम लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं, काफी इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, काफी मिनट्स चले जाते हैं एक दूसरे को देखने में, एक दूसरे से बातें करने में। तो ये ना करिए, जब आपका पेपर स्टार्ट हो जाए तो फटाफट आप अपने काम में लग जाइए, फटाफट कॉपी भरिए, जो भी पहला पेज होता है, नाम जो भी सब होता है उसका भर के, रोल नंबर वगैरह सब कुछ भर करके फटाफट आप स्टार्ट करिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन सी, जैसे भी आपको स्टार्ट लगे। सीरियल वाइज अगर आप सेक्शन बी कर रहे हैं तो सारे सेक्शन बी से ही कर लीजिए, अगर आप सेक्शन सी से कर रहे हैं तो सारे सेक्शन सी से कर लीजिए, वैसा ही सेक्शन ए से करिए। ऐसा कोई इशू नहीं कि आप कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, कहीं से भी करिए, लेकिन जिस सेक्शन से कर रहे हैं उस सेक्शन को पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट पे आइए। तो एक बात और, जब आप पेपर देने जा रहे हो तो सुबह जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो उससे पहले चेक जरूर कर लें, एडमिट कार्ड है, पेन पेंसिल, जो भी इरेजर शॉर्पनर जो भी आप चेक करें, सारी चीजें चेक कर लें कि आपके पास हाँ है, आपने रात में रखी थी, इस समय है या नहीं है, पूरी कंप्लीट है। उसके बाद अपने बैग को जो भी लेकर जा रहे हैं उसमें चेक जरूर कर लें, उसके बाद आप निकलें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई जरूर ये कि जब भी आपने घर से निकले तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर जरूर निकले। आई होप आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता दूं, जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं, जहां भी आपका एग्जाम सेंटर गया है, तो कोशिश करके वहां पे आधा घंटे पहले पहुंचे। मान लीजिए अगर आपका 10 बजे से पेपर स्टार्ट है तो आप वहां पे 9:30 बजे आई थिंक पहुंच जाइए, पहले दिन आप कम से कम वहां पे पहुंच जाइए। या यूं मान लीजिए कि आप जब भी आपका पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं भी पेपर हो रहे हैं, तो वहां पे टाइम से पहले पहुंच जाइए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम पहुंचने की कोशिश करेंगे तो यार थोड़ा हेडेक बन जाएगी, थोड़ा टेंशन दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती रहेगी, तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद दोस्तों मैं उन पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि जो लोग अपने बच्चों को पेपर दिलवाने जाते हैं और वो गाड़ी चलाते हुए जाते हैं, उनके बच्चे पीछे बैठकर पढ़ाई करते रहते हैं, तो ऐसा होता है कि जब आप तो गाड़ी चला रहे हैं कि चलो अपने बच्चे को कॉलेज छोड़ देते हैं, वो पेपर दे ले, और आपका बच्चा पीछे गाड़ी पे बैठ के पढ़ाई करता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में थोड़ा टेंशन चलती रहती है, वो पलट के पेज पढ़ता रहता है, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। तो अगर आप पेरेंट्स हैं और जा रहे हैं अपने बच्चे को पेपर दिलवाने के लिए, तो कोशिश करिए कि यार उसको आप बोलिए, उसको मोटिवेट करिए कि बेटा आपने जो भी पढ़ा होगा और आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे, और अब आप पढ़ाई ना करें, तो उनको थोड़ा मोटिवेट करें, और जब आप उनको साथ में लेकर जाएं तब वो पढ़ाई ना करें, तो आई होप उनका पेपर अच्छा होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।